हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम कंजंक्शन की सीरीज पे दोबारा काम करने वाले हैं और थ्री प्लैनेट्स की कंजंक्शन पे हमने काफी वीडियोस आपको दी हुई हैं और उसी सीरीज को आगे चलाते हुए आज हम बात करेंगे मरकरी, जुपिटर और सैटर्न की कंजंक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि अगर मरकरी, जुपिटर और सैटर्न आपके चार्ट में किसी एक ही हाउस में बैठ जाएं और क्लोजली कंजंक्ट हो, यानी कि इनकी कंजंक्शन 10 डिग्री से नीचे की हो, तो आपको किस तरह के फल देंगे। और दोस्तों, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये कंजंक्शन 33 डिग्री से भी नीचे आ जाए, यानी कि एक प्लैनेट अगर 10 डिग्री का है, दूसरा 7 का है और तीसरा 13 डिग्री का है, तो ये 3 डिग्री के आसपास की कंजंक्शन बनेगी चार्ट में। यदि ये कंजंक्शन किसी दो प्लैनेट्स की या तीनों प्लैनेट्स की 3 डिग्री से कम है तो इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। अगर 10 डिग्री से इनका गैप बढ़ जाता है, यानी कि एक प्लैनेट दूसरे से 10 डिग्री से ज्यादा के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, तो इस कंजंक्शन के फल थोड़े कम मिल सकते हैं। लेकिन जब भी कोई तीन प्लैनेट्स एक ही हाउस में मिलते हैं तो हमें उस कंजंक्शन के फल जरूर मिलते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मरकरी से हम क्या देखते हैं। देखिए दोस्तों, मरकरी हमारी कम्युनिकेशन का मालिक है। मरकरी इज ए लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड आर इंटेलिजेंस, ब्रेन का मालिक है। और लॉजिकल एबिलिटीज जो हमारी होती है, जो लॉजिकल कन्वर्सेशन होती है, वो मरकरी ही उसको हैंडल करता है। अगर हमारी लाइफ में हम जो भी बात किसी से करते हैं उसमें आपको एक कन्विंसिंग पावर लगती है, लॉजिक लगता है, तो दैट मीन्स आपका मरकरी अच्छा है। और मरकरी से हम अपनी एजुकेशन भी देखते हैं, क्लेवरनेस भी देखते हैं, कनिंगनेस भी देखते हैं। मरकरी एक यूथ प्लैनेट है, एक यंग प्लैनेट है। मरकरी से हम एक बच्चा भी देखते हैं और मरकरी बहुत नॉटी है। और मरकरी से हम शार्पनेस देखते हैं। मरकरी से सारी जितनी भी कैलकुलेटिव हमारी एबिलिटीज हैं वो मरकरी से ही हम देखते हैं, चाहे वो हमारी अर्थमेटिक की हो, अकाउंट्स की हो, या स्टैटिस्टिक्स की हो, या कोई भी कैलकुलेशंस जब हम करते हैं, तो दिस मींस हमारा मरकरी अच्छा है। अगर हम इन चीजों में वीक हैं तो मरकरी हमारा वीक है। तो मरकरी से ये सारी हम चीजें देखते हैं। और काल पुरुष कुंडली में मरकरी दो घरों का मालिक है, तीसरे का और छठे का। छठा घर एनालिटिक्स का घर है और तीसरा घर कम्युनिकेशन का घर है। मरकरी से हम सेल्स और मार्केटिंग भी देखते हैं, तो यानी कि वो लोग सेल्स मार्केटिंग में अच्छे हो सकते हैं जिनका मरकरी अच्छा हो चार्ट में। अब आइए दोस्तों, गुरु से हम क्या देखते हैं। हम बात करते हैं गुरु। गुरु इज ए वेरी वेरी नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट। गुरु से हम विजडम देखते हैं, फिलॉसफी देखते हैं, रिलीजियसनेस देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी देखते हैं। और गुरु से हम एक फार साइटेडनेस देखते हैं, एक ऑप्टिमिज्म देखते हैं लाइफ में। जब भी कोई किसी इंसान पे कोई मुश्किल आती है या गलत टाइम आता है, तो जो इंसान लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और सोचते हैं नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, तो ये इसका मतलब उनका गुरु बहुत ही सॉलिड है, गुरु बहुत ही उनका पॉजिटिव है। एंड जुपिटर, गुड जुपिटर गिव्स ए लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड लॉट ऑफ यू कैन से विजडम। गुरु से हम कनेक्ट करते हैं एक डिवाइन पावर से, और हम ये समझते हैं कि ठीक है, इफ दिस इज द विश ऑफ ऑलमाइटी देन लेट इट बी। तो इस तरह की फिलोसफिकल व्यूज जो है वो गुरु ही देते हैं। गुरु से हम पिता भी देखते हैं और गुरु से हम एल्डरली लोग देखते हैं। गुरु से हम हायर और स्पिरिचुअल नॉलेज देखते हैं, लर्निंग्स देखते हैं। गुरु से हम लॉ भी देखते हैं और गुरु से हम यानी कि यूं कहना चाहिए कि एक रिस्पेक्ट देखते हैं जो हम लोगों के प्रति करते हैं। और सैटर्न क्या है, सैटर्न से हम काफी चीजें ऐसी देखते हैं जो हम लाइफ में जिनको हम पसंद नहीं करते। सैटर्न बेसिकली एक डिले का कारक है, जो हमारी लाइफ में जो प्लानिंग्स, जो हमारे एक्शंस डिले होते हैं, उसमें सैटर्न का ही रोल होता है। सैटर्न चीजों को जल्दी नहीं होने देता, बिकॉज इट इज ए स्लो मूविंग प्लैनेट। जो भी हमारी लाइफ में प्लान्स पोस्टपोन हो जाते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ सैटर्न। सैटर्न एक रिस्ट्रिक्शन है, हमें रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, लिमिटेशन है, एक बाउंड्री है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सैटर्न एक फ्रस्ट्रेशन है, सैटर्न से फियर और एंग्जाइटी वगैरह का भी रिलेशन है। और सैटर्न हमें
लैक ऑफ हैप्पीनेस देता है, स्लोनेस देता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम सैटर्न से देखते हैं, बट सैटर्न इज ए ओल्ड एंड ड्राई प्लैनेट। सैटर्न एक रूड प्लैनेट है, रफ है, लेकिन सैटर्न मैच्योर बहुत है। सैटर्न में एक्सपीरियंस बहुत, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंसेस हैं सैटर्न में। सैटर्न हैज सीन ऑल द वर्ल्ड, जितने भी फेलियर्स हैं, जो हम नॉर्मल लाइफ में कहते हैं कि अगर आप किसी भी वेंचर में फेल हो जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक्सपीरियंस सैटर्न ही है। तो दैट्स वाई सैटर्न से हम एक मैच्योरिटी देखते हैं, एक एक्सपीरियंस देखते हैं, और हम धीरे धीरे लाइफ में ये सीख जाते हैं कि हमें किस मुश्किल को कैसे हैंडल करना है। और ऐसा कहा जाता है कि सैटर्न का एक फुल जो जोडियक को कंप्लीट करने का पीरियड है वो करीब करीब 28 से 30 साल है। तो यानी कि 30 साल बाद सैटर्न की मैच्योरिटी एक इंसान में आ जाती है और काफी हद तक वो अपने डिसीजंस को, यानी कि जो उसको पेनफुल डिसीजंस होते हैं, उनको हैंडल कर लेता है। तो दोस्तों, सैटर्न, जुपिटर एंड मर्करी डिफरेंट एनर्जीज हैं, जैसा आपने देखा, और सैटर्न से हम लॉ भी देखते हैं। तो देखिए, अब ये जो कंजंक्शन है, इसमें सबसे पहले आप ये चेक करिए कि कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट के नजदीक बैठा हुआ है। अगर जुपिटर और मरकरी नजदीक हैं तो हमें जुपिटर और मरकरी के फल ज्यादा मिलेंगे, सैटर्न के फल थोड़े से कम हो सकते हैं। अगर मरकरी और सैटर्न नजदीक हैं तो इन दोनों के मिलेंगे, अगर जुपिटर और सैटर्न नजदीक बैठे हुए हैं और मरकरी दूर है तो उन दोनों के फल मिलेंगे। जो प्लैनेट्स जितना नजदीक होंगे उनके फल ज्यादा मिलेंगे। फिर दोस्तों, ये प्लैनेट्स जिन जिन हाउसेस को हमारे चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, 6 हाउसेस को, उनके भी आपको फल जो है इंक्लूड करने पड़ेंगे अपनी प्रिडिक्शंस में। हमें तो पता नहीं है, हम तो सिर्फ आपको जिन जिन प्लैनेट, जिन जिन चीजों के ये कारका हैं, हम उन्हीं को ही डिस्कस कर सकते हैं। हमें ये भी नहीं पता ये किस हाउस में बैठे हैं, क्या मैलिफिक हाउस में ये कंजंक्शन है या पॉजिटिव हाउस में है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हैं कि इस प्लैनेट के आपको किस तरह से रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो इंसान है जिसकी चार्ट में ये कंजंक्शन है, ये इंसान एजुकेशन लेने में, इसको थोड़ी डिले हो सकती है, नॉलेज लेने में डिले हो सकती है, बट ही विल बी ए लर्नेड पर्सन। He will have all the maturity, wisdom and philosophical view of life, as well as he will be very sharp in calculative abilities or sales and marketing. इसकी जो वाणी है उसमें आपको मैच्योरिटी भी मिलेगी, एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा, लॉजिक भी मिलेगा, विजडम भी मिलेगी, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स की का इन्फ्लुएंस इस पे आ जाएगा। अब इस इंसान को किसी भी डिबेट में हराना बहुत मुश्किल है। ये इंसान फुल ऑफ नॉलेज होगा, इसने अपने लाइफ के बहुत साल इन चीजों को गेन करने में लगाए होंगे, क्योंकि सैटर्न डिले करा देता है। तो जो चीज आप 2 साल में सीख रहे हो, सैटर्न उसको 3-4 साल तक आपको सिखाएगा। तो इंसान इसमें कुछ फेलियर्स को जरूर यानी कि एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन उसकी लर्निंग लाजवाब होगी। और ये इंसान जो है, इस इंसान की एडवाइस जो है वो बहुत ही यानी कि फ्रूटफुल होगी। अगर इस इंसान की एडवाइस ली जाए तो ही कैन गिव यू बेस्ट ऑफ द एडवाइजेस। अगर ये इंसान लीडरशिप क्वालिटीज में काम करे तो फिर इसके अंडर जो लोग काम करते हैं वो लोग डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, बिकॉज ही इज क्लेवर आल्सो, ही इज शार्प आल्सो, ही इज लॉजिकल आल्सो, ही इज वाइज आल्सो, एंड ही इज मैच्योर आल्सो एंड डिसिप्लिन आल्सो। सैटर्न से हम डिसिप्लिन भी देखते हैं, तो ये इंसान डिसिप्लिन के मामले में जबरदस्त होगा, विजडम जबरदस्त होगी। कई तरह के फील्ड्स में ये इंसान काम कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा कि कौन से नक्षत्र में ये प्लैनेटरी कंजंक्शन है। अगर एक ही नक्षत्र में ये कंजंक्शन आ जाए तो उस नक्षत्र के लॉर्ड से रिलेटेड ही ये एक्टिविटीज में काम करेंगे। हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये बुध के ही कंजंक्शन बुध के ही नक्षत्र में बनी हुई है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन के रोल में हो सकता है, एडवाइजरी रोल में हो सकता है, और अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज में मैनेजमेंट के रोल में हो सकता है, मार्केटिंग या सेल्स में काफी अच्छा कर सकता है।
और ये अगर गुरु के किसी उसमें बन जाए, नक्षत्र में बन जाए या गुरु की राशि में बन जाए 9 नंबर या 12 नंबर में, तो ये इंसान एजुकेशनल फील्ड में काम कर सकता है, टीचिंग और प्रीचिंग में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, अकाउंट्स में हो सकता है। और मरकरी में अगर ये कंजंक्शन कहीं मंगल की राशि में बन जाए 8 नंबर राशि में, तो ये इंसान ऐसे आईटी और सॉफ्टवेयर और लैंग्वेजेस वगैरह के प्रोफेशन में हो जाते हैं। तो अब क्या है कि इससे आपको लॉ की एजुकेशन भी मिलेगी, एजुकेशनल फील्ड भी मिलेगा, फिलॉसफी भी मिलेगी, आपको लैंग्वेजेस भी मिलेंगी, आपको लिटरेचर भी मिलेगा, आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, सैटर्न हिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी फील्ड में आपकी मास्टरी हो सकती है इस कंजंक्शन में, डिपेंडिंग ऑन द डिग्निटी और पावर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लैनेट इन दिस कंजंक्शन। तो दोस्तों ये कुल मिला के अगर हम देखें तो ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी कंजंक्शन है। इसमें थोड़ी बहुत डिले या थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन जरूर रहती है इनिशियल ईयर्स में, लेकिन जब आदमी की पर्सनैलिटी निकलती है तो वो एक बहुत ही लर्नेड आदमी के रूप में सोसाइटी में आता है और वो सोसाइटी के लिए एक एसेट बन जाता है। किसी भी प्रोफेशन में हो, प्रोफेशन की हाइट पे जाना तय है इस इंसान का, चाहे किसी भी घर में ये कंजंक्शन बन रही हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी गुड कंजंक्शन। इसमें आदमी डिसिप्लिन भी होता है, फिलोसफिकल भी होता है और आइडियल भी होता है, और यानी कि जुपिटर का आइडियलिज्म भी यहां आता है। जब इंसान अपने लॉजिकल डाटा को प्रूव करता है अपनी प्रेजेंटेशन में, उसमें कुछ न कुछ फिलॉसफी भी होती है, फिलोसफिकल व्यू भी होता है, फार साइटेडनेस भी होती है, और ये इंसान अपने टास्क को अचीव करने में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। ये इंसान वर्क एनवायरमेंट में हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं और हार्ड वर्किंग रहते हैं। दे डेडिकेट देयर इंटायर टाइम एंड लाइफ टू देयर जॉब। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंजंक्शन इफ वी सी द कंजंक्शन। अगर यहां पर जुपिटर अगर सैटर्न के साथ बैठ जाए तो थोड़ा सा यहां पर डिसबैलेंस ये हो जाएगा कि ये इंसान स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में या थोड़ा सा रूड हो जाएगा, रफ हो जाएगा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ या अपने लोगों के साथ, तो या अपने जूनियर्स के साथ ये रफ हो जाएगा। और दोस्तों इस इंसान में अगर ये हाई पोजीशन पे है तो इसके नौकर्स बड़े वाइज होंगे, बड़े लर्नेड होंगे, इसके नौकर ही एजुकेटेड होंगे। अगर एजुकेटेड नहीं होंगे तो दे विल हैव ए शार्प माइंड एंड इंटेलिजेंट ब्रेन, क्योंकि सैटर्न से हम सर्वेंट्स देखते हैं, हम अपने वर्कर्स देखते हैं, और अगर घर में है तो सर्वेंट्स देखते हैं, और फिर जुपिटर और मरकरी की कंजंक्शन इंसान को क्लेवर और वाइज बना देती है। तो इस इंसान के जो नौकर होंगे, जो सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो इसके अंडर काम करेंगे, वो भी काफी लर्नेड और वाइज होंगे, और उनसे काम लेने में आपको जो है डेफिनेटली आई मीन दे विल बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड वेरी डिसिप्लिन टू गिव यू द आउटपुट। तो इस तरीके से ये कंजंक्शन काम करेगी। अगर यहां पर सैटर्न नीच का है तो यहां पर आदमी रफ हो जाएगा, रूड हो जाएगा, ओवर डिसिप्लिन्ड हो जाएगा और अपने वर्कर्स को या अपने सबॉर्डिनेट्स को बहुत हैरस करेगा। अगर यहां पर गुरु नीच का है तो आदमी फिलोसफिकल होके भी कुछ मटेरियलिस्टिक उसकी अप्रोच रहेगी फिलोसफी में, और कहीं ना कहीं वो फिलोसफिकल बातों में मटेरियलिस्टिक गेंस को भी जोड़ने की कोशिश करेगा। और अगर यहां पर मरकरी नीच का आ जाए तो इंसान की जो विजडम है या मैच्योरिटी है वो गलत डायरेक्शन में काम करती है और उसमें लॉजिक्स की कमी रहती है और कहीं ना कहीं गलत डिसीजन से नुकसान वगैरह भी हो जाते हैं। तो दोस्तों अब ये कंजंक्शन अगर किसी त्रिकोण में है या फर्स्ट हाउस में है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंजंक्शन, और अगर ये कंजंक्शन किसी मैलेफिक हाउस में है तो आपको लाइफ में स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलने के चांसेस मिलेंगे, और अगर ये कंजंक्शन 12वें घर में है तो कहीं ना कहीं आपकी विजडम का, मैच्योरिटी का, फिलॉसफी का, इंटेलिजेंस का लॉस होता रहेगा जब तक आप 12वें घर के सिग्निफिकेंस में नहीं पहुंच जाते, यानी कि आप किसी दूर दराज कंट्री में नहीं पहुंच जाते या दूर दराज अकेले इलाके में नहीं पहुंच जाते जहां आपको काम करना है। अगर आप किसी अकेली जगह में यानी सॉलिट्यूड में काम करोगे तो वो कंजंक्शन आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी 12वें घर की, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन ए सिविलाइजेशन या इन ए सिटी। तो दोस्तों इस तरीके से इस कंजंक्शन के आप फल ले सकते हैं, और ये आपको देखना पड़ेगा कि ये कंजंक्शन कहाँ है, क्या तीसरे घर में तो नहीं है, तीसरे घर में ये आपको
कुछ स्ट्रगल दे सकती है, कुछ हार्डशिप दे सकती है, कुछ भाग दौड़ दे सकती है, कुछ ऑब्स्टेकल्स दे सकती है। वरना अगर ये कंजंक्शन फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ में है या इलेवंथ में है या फोर्थ हाउस में है, तो ये कंजंक्शन आपको बहुत कुछ दे सकती है, एंड दिस इज इक्वलेंट टू राजयोग कंजंक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है और इन तीनों प्लैनेट से रिलेटेड आपके काफी आइडियाज क्लियर हो गए होंगे। इफ यू आर लाइकिंग आर दिस टाइप ऑफ वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी एंड टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ। विल सी यू सून। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।